सो गाइस, आप लोग भी BGMI खेलते हो। अगर आप लोग BGMI खेलते हो तो आपको पता होगा कि आजकल कितनी ज़्यादा डिले और लैग प्रॉब्लम आ रही है और हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस प्रॉब्लम के रिलेटेड। सो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और आखिरकार ये प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है, चलो इसके ऊपर थोड़ी सी हम छोटी सी वीडियो में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है सर्वर डिले की वजह से, क्योंकि BGMI अपना सर्वर मेंटेनेंस कर रहा है और साथ के साथ उसके जो यूज़र्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो उसको मेंटेन करने के लिए अभी मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे होगा, इम्प्रूव होगा, सारी चीज़ें होंगी। जब तक कोई अपडेट नहीं आती है तब तक आप कोई भी ऐसी वीडियो मत देखना कि भाई ये वाले डिले प्रॉब्लम जो है तुम्हारी सोल्व हो जाएगी कुछ भी सेटिंग्स करके। सो ऐसे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली, क्योंकि BGMI ने जो है उनका सर्वर वो अभी मेंटेनेंस के अंडर है। बहुत बंदों को जो है पिंग का इशू भी देखने के लिए मिल रहा है कि भाई हमारी 20 पिंग आ रही है फिर भी पता नहीं कैसा गेम चल रहा है, अजीब सा। सो वो भी इसके ऊपर ही है, क्योंकि मैंने खुद ये टेस्ट किया है कि चाहे मैं मोबाइल डेटा पे खेलूँ चाहे वाईफाई पे खेलूँ, दोनों में ही मेरे को सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। चाहे मेरी पिंग यहाँ पे 20 रहे चाहे यहाँ पे मेरी 80 रहे, गेम सेम वही चलता है जैसे कि तुम 500 पिंग में खेल रहे हो। सो इसका तुम कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो इनका तुम कुछ नहीं कर सकते, बस वेट करो जब तक BGMI इसकी कुछ अपडेट तुम्हें नहीं देता। सो आज की वीडियो को बस मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हमें आ रही है जब तक BGMI की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती इसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें गेम खेलना है तो भाई इसी दिक्कत के साथ खेलना पड़ेगा, और अगर तुम थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ सकते हो तो भाई छोड़ दो, क्योंकि जब तक इसकी अपडेट नहीं आती भाई तुम्हें ये सारी की सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो अब नहीं जाने वाली जब तक BGMI की कोई अपडेट नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों की एक और दिक्कत जो है सॉल्व कर सकता हूँ, वो है एक अच्छे स्मार्टफोन की। सो नीचे आ रही वीडियो पर क्लिक करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो।